21st असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी किया, जिसमें अ पर्सन गोइंग वेस्ट विद स्पीड ऑफ 6 रेन, ये क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या आ गया, रेन अपीयर्स, यानी कि एक्चुअल स्पीड नहीं है रेन की, अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 8, तो क्या गिवन है, वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो फाइंड एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन अभी हमने किया था ना पाइथागोरस लगा के, सेम क्वेश्चन रिपीट है क्वेश्चन जो थ्योरी में करवाया. आप क्वेश्चन नंबर करें 7 और 8, 7 और 8, तो क्वेश्चन है कि ऑन अ सर्टन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30. ये एक्चुअल है कि ये वी आर एम है, ये वी आर है कि वी आर एम है, उसने बोला अपियर नहीं बोला, उसने क्या बोला, रेन एक्चुअल में गिर रही है, तो ये क्या है, वी आर है. Wind started blowing after some time with the speed of given. तो क्या given है? Wind की speed. North to south. In which direction should a boy waiting a bus hold up umbrella? Man चल रहा है? नहीं चल रहा. Bus stop पे खड़ा है, इसका मतलब? इसका मतलब rain नीचे गिर रही है. तो velocity of rain की value कितनी है इसमें? 30. तो next है, विंड मान लो मूव कर रही है नॉर्थ टू साउथ, के मान लो नॉर्थ या साउथ, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10. ऐसे ही होगा. तो ऑब्वियसली अम्ब्रेला कैसे पकड़ा जाएगा, इनका रिजल्टेंट निकालने, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 30² + 10² तो एग्जैक्टली अम्ब्रेला यहां कहीं पकड़ा जाएगा ऐसे, विद वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ व्हाट, थीटा. तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा बोलो, tan of theta will be equal to, अगर ये वैल्यू 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 है. तो क्या आएगा इसमें, इस केस में, राइट, तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, रेन है. तो इस केस में, इस ट्राइंगल में अगर ये 10 है, ये 30 है, तो tan theta 10/30, तो theta is tan inverse 1/3 with vertical. क्या ये पॉइंट क्लियर है, कैसे सोचना है इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? सर इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं होना चाहिए कि vr वेक्टर माइनस vw वेक्टर मतलब दूसरी तरफ बनना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो ये केस नंबर 1 है, सुनो सुनो सुनो, ये केस नंबर 1 है. केस नंबर 1 में मैन चल नहीं रहा, जब थ्योरी में भी करवाया था, जब मैन ना चल रहा हो और हवा चल रही है और सिर्फ रेन गिर रही है, तो दोनों का एडिशन लेना होता है, रेन और विंड का आंसर ऐसे है. Yes. लेकिन अगर मैन चल रहा है, फिर आपके वाला केस है, वी आर एम वाला लेना पड़ता है. वी आर एम का केस तभी बनता है जब मैन चल रहा है. अगर मैन नहीं चल रहा, फिर तो सबसे आसान केस है, रिजल्टेंट लो, काम खत्म करो. नहीं चाहिए रिजल्टेंट, हाँ 10 मिनट लगा लो. ठीक, नेक्स्ट है, इफ अ शावर ऑफ रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 12, मतलब क्या गिवन है, velocity of rain with respect to
मैन 12 टू अ पर्सन मूविंग ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 5, ये क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ मैन। तो एक्चुअल स्पीड और डायरेक्शन निकालनी है रेन की। देखो इसके अंदर तो केस ही एक बनता है, वो क्या? इसमें ये बनता है कि आपको वी आर एम पता है, आपको वी एम पता है, तो इसको तो बिना देखे बना सकते हो। एक ही केस जो आज हमने किया कि ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में रेन अपीयर्स, उसने कहा रेन अपीयर्स का मतलब वी आर एम, जिसकी वैल्यू कितनी है चेक करना, 12। ये 12 गिवन है। फिर इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो मैन है उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, चेक करो, 5। कहां से कहां? वेस्ट से ईस्ट, चलो कुछ भी ले लो क्या फर्क पड़ता है, ये रही। ठीक है, अब वी आर एम का मतलब क्या होता है? वी आर प्लस माइनस वी एम। तो माइनस वी एम का मतलब हमें इसका उल्टा वेक्टर लेना है इस तरफ, ये रहा। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस वी एम वेक्टर, ये रहा। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो एक वेक्टर माइनस वी एम आ गया, तो ऑब्वियसली दूसरा वेक्टर सबको पता है कि कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ये रहा। तो रट गया डायग्राम, क्योंकि वी आर को यही होना पड़ेगा ताकि वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट ये आए, ऐसे करवाया था। तो इसमें जो ट्राइंगल बनेगा या पैलोग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा, ये देखो ऐसे, ये रहा। तो इस क्वेश्चन में ये 12 है, इस क्वेश्चन में ये 5 है, तो ये भी कितना है, 5 है, तो ऑब्वियसली ये कितना है, 13। वैसे एक बात बताऊं, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए, मैं इतना भी ना करूं, 12 5 राइट एंगल ट्राइंगल में, तो तीसरी साइड क्या होगी, 13 ही होगी। मैग्नीट्यूड निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है इनमें, प्रॉब्लम डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन के लिए एंगल थीटा, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू दिस साइड जो कि कितनी है, 5, डिवाइडेड बाई दिस साइड जो कि कितनी है, तो थीटा इज टेन इनवर्स 5/12। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें?